This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court. Today we are delivering a legal lecture on the topic of paper marriage. आज के हमारा जो टॉपिक का उन्वान है पेपर मैरिज, कागजी शादी. What is the paper marriage and how it is dissolved? कि कागजी शादी क्या है, पेपर मैरिज क्या है और किस तरीके से ये खत्म की जा सकती है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है कागजी शादी के बारे में, व्हाट इज द पेपर मैरिज. देखिए पेपर मैरिज किस लिए और क्यों मनाई जाती है. जी देखिए पेपर मैरिज बेसिकली इमिग्रेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है. फॉरेन कंट्रीज में जो वहां मौजूद है पेपर मैरिज, वो ख्वातीन मौजूद हैं जो पाकिस्तानी ड्यूल नेशनल पाकिस्तानी हैं या बाहर की कंट्रीज की ख्वातीन हैं. वो देखिए कागजी शादी पाकिस्तानी ख्वातीन के साथ भी हो सकती है और पाकिस्तानी हस्बैंड के साथ भी हो सकती है. दो सूरतें हैं. एक तो ये है कि कोई पाकिस्तानी ख्वातीन बाहर है तो हस्बैंड उसे यहाँ से कोई जाना चाहता है तो ऐसे उसको वीज़ा नहीं मिलेगा इमिग्रेशन पर्पस के लिए, कि सपोज चूँकि बन जाएगा शादी हो जाएगी तो हमें इमिग्रेशन मिल जाएगी और उसके बाद हम ख़त्म करेंगे. ये सिर्फ कागजी शादी होगी, हकीकत में शादी नहीं होगी. ये कागज़ की हद तक शादी होगी, फिजिकली कोई रिलेशन नहीं होगा, हकीकत में कोई शादी नहीं होगी. ये सिर्फ दिखावे की शादी होगी, वहाँ दूसरे कंट्री में इमिग्रेशन के लिए हम उसको दिखाएंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाए. या इस तरीके से होते हैं पाकिस्तानी मेल यहाँ से बाहर जाते हैं, वो वहाँ की लोकल किसी खातून से कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि पैसे पेमेंट करने का, कि हम आपको ये वो पैसा लेती है कि इतने आपको मंथली पैसे देंगे, आप उनके साथ पेपर मैरिज कर लें. वो पेपर मैरिज कर लेते हैं सिर्फ कागजों की हद तक, एक्चुअली तौर पर नहीं, फिजिकली तौर पर नहीं, सिर्फ एज पर डॉक्यूमेंट वो से पेपर मैरिज कर देते हैं. अपना मैटर जो है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इमिग्रेशन के लिए फाइल कर देते हैं. जब उसकी इमिग्रेशन हो जाती है बाद में डिवोर्स शुरू कर देते हैं. तो ये एक इस तरीके से एक जो डॉक्यूमेंट बनते हैं इसको पेपर मैरिज कहा जाता है. ये अगरचे पेपर मैरिज एक चीटिंग है, पेपर मैरिज एक किस्म का फ्रॉड है, यूं लगे धोखा है कंट्री को धोखा देने के लिए कि हमने शादी कर ली, हकीकत में उनकी शादी नहीं होती. और ये सिर्फ पर्पज़ होता है उनका इमिग्रेशन का, ये सिर्फ पर्पज़ होता है वहाँ की शहरियत लेने के, शहरियत लेने के लिए एक झूठ और फ्रॉड से काम लेते हुए पेपर मैरिज वो कर लेते हैं, या तो लोकल लड़की से या फिर पाकिस्तान लड़की जिसके पास ऑलरेडी सिटीजनशिप होती है उस कंट्री की, तो वो जो है ना पेपर मैरिज कर लेते हैं. वो सिर्फ ओनली डॉक्यूमेंट की हद तक होते हैं, हकीकत में वो शादी नहीं होती, वो सिर्फ कागज़ की हद तक होती है. लीगली और इस्लामी तरीके से उसका कोई इजाब और कबूल नहीं किया जाता, कोई विटनेस नहीं बनाए जाते, खाली एक डॉक्यूमेंट फिलअप करने के लिए वो बनाए जाते हैं. अदरवाइज वैलिड शादी के लिए एक्सेप्टेंस और प्रपोजल ज़रूरी होती है, विटनेस ज़रूरी होती है. ना तो इजाब होते हैं ना कबूल होता, कोई भी नहीं होता, खाली डॉक्यूमेंट बना के उसको रजिस्टर करा दिया जाता है और कहते हैं हमारी पेपर मैरिज हो गई और वो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ भी साथ नहीं रहते. ये होता है कागजी शादी जिसको कहते हैं. इसको अब ख़त्म कैसे किया जाए, कागजी माजी तो हो गई, अब इसको ख़त्म करने का तरीका भी देखिए वही तरीका है जो एक आम शादी का होता है. चूंकि ये डॉक्यूमेंट बना दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाते हैं, अगरचे उनके दरमियान मॉरिटल ऑब्लिगेशन का कोई ऐसा फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी अगर इजाब कबूल नहीं होता, फिर भी इसको ख़त्म करने का तरीका यही है कि वही तरीका है जैसे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते हैं, दोनों की मर्जी से होते हैं, दोनों के सिग्नेचर सही होते हैं, इससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता. जब इनकारेंगे या तो देखिए एक पार्टी इनकार करे तो फिर तो ऑब्जेक्टिटेशन और मैरिज में जाए, उसमें इनकार तो होता नहीं, एक्सेप्टेंस तो दोनों की तरह से होती है और दोनों ओरिजिनल साइन डॉक्यूमेंट सारे बने होते हैं, रजिस्टर होते हैं. इसलिए उसको ख़त्म करने का वही प्रोसीजर है जैसे एक आम शादी को ख़त्म किया जाता है. या तो लड़की होगी तो वो जाएगी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में जाएगी, अगर लड़का है तो वो उसको डिवोर्स प्रोनाउंस करेगा एज पर मुस्लिम फैमिली. तो ये सेक्शन से तो ये तरीकेकार है, इसको ख़त्म करने का वही प्रोसीजर होगा जो एक आम शादी को ख़त्म करने का होता है, जैसे जो आम शादी को निचाल करने का होता है. ये था हमारा आज का टॉपिक पेपर मैरिज. इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.